बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मासूम बच्ची है जो अपनी माँ के साथ नटी जटी से कूद गए। 28वीं रमजान की सहरी का वक्त हो रहा है, रात के 3:30 बज रहे हैं। अभी हमारे पास फैमिली आई है, मीडिया के कुछ दोस्तों ने इनका पता दिया था, इनसे रब्ता हुआ। हमारे पास एक एक दिन में 10,000 एप्लीकेशनें आती हैं, और जब मैं लोगों को बताता हूं कि मैंने कराची के 26 मकामात पे दस्तरखान लगाए हुए सिर्फ इसलिए कि कोई शख्स उसके बच्चे भूखे ना रहे, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हड़हराम बना रहे हो। हम बोलते हैं कपड़े दे दो, तुम्हारे बच्चे ईद पे नए कपड़े पहन रहे हैं, किसी गरीब को दिला दो। लोग कहते हैं जब उनके पास नहीं है तो क्यों दे दो, मेहनत करें, मेहनत करें। ये सवाल था ना आपका बहन, सिर्फ मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। मेरी बहन आयशा बैठी है, वो क्या बात बनी जिसकी वजह से आप 3 फूलों को लेकर चली गए खुदकुशी करने? यही कि गुर्बत की वजह से गई, इनका कपड़ा वगैरह ईद की तैयारी नहीं हुई हुई थी। और इस बच्चे का आपने क्या बताया, स्कूल में क्या चाहती थी आप? मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चे एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ना शुरू हो जाए। आपको डॉक्टर ने क्या बोला, क्या करवाओ अपना? गुर्दे वॉश यानी डायलिसिस कराओ। पूरे महीने रक्षे चलाते हो किराए का, क्या बचता महीने का? मेरी बात समझ में आ रही है आप सुनने वालों के? मैंने इसकी माँ से बार बार पूछा कि मैं दिन भर हजारों केस तो खुद डील करता हूँ बहन, इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, किसी इदारे में आ जाती, इतने फलाई इदारे। उसने बोला, मेरे बच्चे ने बोला, माँ हम कभी स्कूल नहीं जाएंगे, हमारे पास कपड़े नहीं होंगे। ये बात जब उसने सुनी तो आपको कुछ नजर नहीं आया बहन? आपको कुछ नजर आया, कुछ आपने सोचा कि इतने फूल जैसे बच्चे मेरे को लेकर कूद रही हूँ, वो रक्षा कैसे आपने रोका, उस रक्षे ने कितनी देर में पहुंचाया, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया? मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस बिल्कुल समझ नहीं आया। रात की वजह से, परेशानी की वजह से ऐसी हो गई थी ना कि बिल्कुल दिमाग सुन हो गया था। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे किसी से पीछे ना रह जाए। हमेशा मेरा बेटा कहता है, मम्मा देखो सबको, मम्मा देखो सबको। कौन बेटा? आप तुम नहीं बोलना, आप सबसे आगे हो गए इंशाल्लाह। देखिये मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, जब आप कहते हैं कि हम ईदी की तरह काम कर रहे हैं ना, ईदी फाउंडेशन की तरह, इस ये वो इदारा है जेडीसी जहां किसी आने वाले शख्स से उसकी जबान, उसका शहर, उसका मजहब, उसका मसलक नहीं पूछा जाता। तो मैंने अभी इन दोनों बहन भाइयों को दिखाया, मियां बीवी को दिखाया, एक एक दिन में हजारों एप्लीकेशनें आती हैं, हजारों। आज ल्यूबर्ट की टीमें लगी हुई है और हजारों जोड़े गरीबों के घरों में जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक मां अपने बच्चों को कैसे ईद के दिन बाहर निकालेगी कि जाओ बेटा बाहर जाओ, दूसरे बच्चे नए कपड़े पहने तुम बाहर जाओ। देखा ना, उसके बच्चों ने सिर्फ अपनी मां से इतना बोला कि माँ हमारे पास कपड़े ही नहीं है। वो कह रही मैं अपने बच्चों किसी पीछे देख ही नहीं सकती थी, मैं चली गई। शौहर कह रहा है पूरे महीने रक्षा चलाता हूं किराए का, तो घर का खाना पूरा नहीं हो रहा। आप हमारा मजाक उड़ाते हो, हड़हराम बना रहे हो। अरे भाई हम रोटी और खाना दे रहे हैं पार्सल, जाओ घर में बीवी बच्चों को खिलाओ। जो तुम मेहनत कर रहे हो, घर का किराया वो रोटी से ज्यादा नहीं हो सकता। इस बहन ने मुझे जो बताया, सुन लें, आपका डायलिसिस का मसला है, हफ्ते में 3 डायलिसिस, जेडीसी कराची के हर इलाके में फ्री डायलिसिस सेंटर खोल रही है, आपका घर से एम्बुलेंस आपको उठाएगी, डायलिसिस कराएगी, वापस घर छोड़ेगी। पहला मसला हल हो गया जी। आपने जितने लाख रुपए बोले हैं, जितने के आप मकरूज हैं, ये आपका कर्जा उतर गया, ये उतने पैसे हैं इसके अंदर। दूसरा मसला हल हो गया। तीसरा मसला आपने बोला कि शौहर के पैसे ही नहीं बचते, कि हम किस तरीके से घर का किराया दें और बच्चों की फीसें दें, ये तीसरा मसला। और तो कोई मसला नहीं बहन जिंदगी में? आ जाए आप लोग आने वाले। आप नए रक्षे की मालिक हैं, ये आपका नया रक्षा है भाई, आपको 12,000 महीना बचता था ना, इससे आप 70,000 रुपए कमा लोगे आराम से, 50,000 रुपए कमा लोगे आराम से इंशाल्लाह। इलाज आपका मुफ्त गुर्दे का, कर्जा जितना आपने बोला तो मैंने दे दिया उतना, वो भी उतर गया बहन जिंदगी का आपका। सही है, बैठे अपना रक्षा स्टार्ट करें, लेकर घर जाए, आपके डॉक्यूमेंट आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। भाई अब तो तुम किसी से कम नहीं हो, मम्मा से ऐसी बात तो नहीं बोलोगे? इनको कपड़े लाके दो इतने सबके। क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया बैठ जाए बहन, आप मालिक है इसकी, बैठे। मैं खाला के बेटे से रब्ता कर लूंगा, मसला नहीं। आप लोग बैठे, आ जाए बैठे, स्टार्ट करो भाई। चले भाई, अल्लाह हाफिज। आप तमाम देखने वालों को बताता हूं, मैं आगे इनको रुख्सत कर दूं, पहले तो इनको रुख्सत कर दिया। मैं बार बार कहता हूं, अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में, अपनी बरादरी में, अपने इलाकों में देखें कौन से ऐसे लोग हैं जो महरूम हैं, जिनके रोटी नहीं है, जिनके कपड़े नहीं है। बार बार आपसे कहता हूं, जब हम मोहल्लों में देखेंगे, गलियों में देखेंगे, सिर्फ इस बात पर कि मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, उस माँ ने क्या कदम उठाया,
उनके जितने मसले थे अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस के मसले थे हल कर दिया, जेडीसी के फ्री डायलिसिस सेंटर में ऑल याफ्ताबाद वाले में सर्जन तुम्हारा मुआयना करेगा, सारे टेस्ट होंगे, उसके शोर का मसला हल। हफ्ते में 3 डायलिसिस होंगे, महीने में 12 डायलिसिस होंगे, तुम्हें एक पैसा तुम्हारा 16 डायलिसिस होंगे महीने में एक पैसा तुम्हारा खर्च नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जितने लाख के मखरूज थे उतने लाख रुपए दे दिए। बच्चों का मसला था, किराए का मसला था, ये लो नए रक्षे के मालिक बन जाओ, जाओ 60-70 हजार रुपए कमाओ, तुम्हारी 12 हजार महीना आता था ना, अब 70 हजार आ गए, सारे मसाइल हल कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहन भाई बेटी खुदा के लिए हरकत कभी भी ना करे, कोई मुश्किल आए खानदान के बड़ों से, खानदान में जो पैसे वाले हैं उनसे रब्ता करो, अगर वो भी मदद नहीं करते, मोहल्ले में जो लोग हैं बड़े हैं उनसे रब्ता करो अगर वो भी नहीं करते। बहुत सारे फलाई इदारे हैं कराची में, 33,000 एनजीओज हैं, 33,000। हाँ, सिर्फ एक जेडीसी के खिलाफ ही वीडियोस बनती हैं, लेकिन अगर कोई ना करे तो जेडीसी आए, अगर किसी की जिंदगी मौत का मसला होता है सबसे पहले हल करते हैं। बाकी लाखों एप्लीकेशन रेंट की आ रही है, फीसों की आ रही है, किराए की आ रही है, उनको हल करते जाने। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, लोगों तक मैसेज पहुंच जाए। लोग मुझे पूरे दुनिया से टैग कर रहे थे इस केस में, अपने साथियों मुझे रब्ता करके बहन के सारे मसले हल कर दिए। मेरी बहन ये आयशा, अल्लाह ताला इसको और हौसला दे, अब इसका मसला हल हो चुका है, इसके शौहर को सेहत दे, मेरी दुआएं।